नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। एमपी में शिव का ही राज चलेगा। जो लोग नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों को हवा दे रहे थे, उनको पहले भी बीजेपी के नेता जवाब दे चुके हैं और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने भी इन पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र सरकार शिवराज के साथ है। राव ने इस दौरान शिवराज सरकार की जमकर तारीफ भी की। अटेंशन में आज हम राव के इन्हीं बयानों के मायने समझेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों पर शनिवार को प्रदेश प्रभारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरलीधर राव ने एक बार फिर विराम लगा दिया है। 2023 में सीएम शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का साथ शिवराज के साथ है। उनके इस बयान ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को एक बार फिर विराम लगा दिया है। दरअसल इससे पहले भी प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बंद कमरों में मुलाकातों पर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि बाद में भाजपा नेताओं ने आगे आकर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को बकवास बताया था और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही प्रदेश के चलने की बात कही थी। इसके बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन अब मुरलीधर राव ने भी नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। हमारे पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाना और सरकार चलाने का निर्णय लिया है और उसके अंतर्गत काम कर रही है और उसका कोई टाइम फ्रेम जो पार्टी जनता ने जो पार्टी को दिया है उसके अलावा कोई टाइम फ्रेम केंद्र के पार्टी ने कोई टर्म और ड्यूरेशन शिवराज जी को देकर भेजा है ऐसा नहीं है। ये जनता के बगैर हम रह नहीं सकते, तो शिवराज जी की सरकार है और शिवराज जी की सरकार के पीछे केंद्र पार्टी और केंद्र के नेतृत्व पूरी तरह है। हमारे पार्टी में किसी भी प्रकार का दायित्वता नहीं होता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे कोई और मंत्री का हो या मेरा भी हो। तो ये जो तय होता है हमारे पार्टी के एक निश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत होता है। मेरा जो कहना है, सबकी रोल तय है, मेरा भी रोल तय है, विष्णु जी का, विष्णुदत्त जी का रोल तय है और शिवराज जी का भी रोल तय है, नड्डा जी का भी रोल तय है। इसलिए हमारे पार्टी के रोल्स जो है वो कांग्रेस की लीडर्स और मीडिया स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट नहीं है। निचले स्तर के कार्यकर्ता, प्रदेश सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में जो कर रही है उसको हर कदम पर पूरी साथ देगी और उसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी पार्टी में रहेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हर प्रकार की सेवा बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक हमारा काम भी रहेगा, कार्यक्रम भी रहेगा और डे टू डे रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग रहेगा। इसकी व्यवस्थाएं खड़े होने वाली है और प्रदेश सरकार के गरीब कल्याण के योजनाओं के विषय में पार्टी के कार्यकर्ता निचले स्तर पर उसको अमल करने में और उसको सफल बनाने में पूर्णतः सहयोग करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लगाने के साथ ही मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। राव ने कहा कि कांग्रेस की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस अब धीरे धीरे विध्वंस की राजनीति में लग गई है। सांप्रदायिक नक्सलियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस कर रही है, आतंकियों को सम्मान देने का काम कांग्रेस ने किया है। वहीं मुरलीधर राव के बयानों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस ने अपनी दिशा नहीं बदली, कांग्रेस के संविधान के कारण ही सरकार चल रही है। कांग्रेस अपनी दिशा नहीं बदली है, कांग्रेस ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो ये संविधान बनाया और ये संविधान पर ये देश चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकारें बन रही है
तो ये कांग्रेस के संविधान की देन है, नहीं तो डिक्टेटरशिप भी हो सकती थी जैसे बहुत सी जगह हुई आजादी के बाद, लेकिन इनको अगर मौका मिला है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान उसकी वजह से मिला है। और एक बात ये करते हैं एससी एसटी की, तो एससी एसटी को उनका अधिकार रिजर्वेशन का ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत दिया, और इनकी मूल संस्था आरएसएस लगातार इस कोशिश कर रही है कि ये जो आरक्षण है ये खत्म होना चाहिए। बीजेपी की प्लानिंग से साफ है कि वो 2023 का अपना एजेंडा सेट कर उस पर अमल की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस अभी बयानों के तीरों से ही काम चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मुरली की इस धुन का राज क्या है, इसको समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। रंजन जी, सबसे पहले आपके पास कि राजनीति में भाग्य का एक बड़ा खेल होता है, और जो कुछ मुरलीधर राव ने कहा है, दो तीन चीज़ें बड़ी साफ साफ उन्होंने कही है कि सरकार को जो टाइम फ्रेम दिया है शिवराज जी को जनता ने, वो पूरे समय रहेंगे यानी 2023 तक। बात की घोषणा तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हमने कई बार ऐसे चेहरों को देखा राजनीति में जिन्होंने कभी खुद नहीं सोचा होगा, चाहे वो नरसिम्हा राव हो, चाहे एक दिन के मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल हो, चाहे हरदन लल्ली देवेगौड़ा देवगौड़ा हो, या इंद्र कुमार गुजराल हो, या चंद्रशेखर हो, या और भी कई सारे मध्यप्रदेश में अर्जुन सिंह कि एक दिन के मुख्यमंत्री रहे, अगले दिन वो गवर्नर बना दिए गए। तो इन बयानों के मायने क्या समझे, क्योंकि जब आपने पहले दिन दो दिन पहले जब अटकलों को विराम दे दिया था, कई सारे जो तमाम नेता जो लाइन में थे, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय, और भी तमाम सारे छोटे बड़े नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार इन्हीं के नेतृत्व में चलेगी, तो बार बार ही सफाई क्यों देने की नौबत आ रही है? देखिए, उनके बयान में दो चीज है मनोज जी। जी, दूसरा पार्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारा, उन्होंने एक बात तो पूरा विश्वास जताया, बिल्कुल कहा जनता ने मैंडेट दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला जनता ने तो कांग्रेस को दिया था, लेकिन ठीक है। तो उन्होंने एक चीज बड़ा गौर करने वाली बात कही कि हमारे यहाँ प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बिल्कुल सबका रोल तय होता है, चाहे वो खुद हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई मंत्री हो, या के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो प्रोसेस है, बिल्कुल चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो रोल के बारे में जो प्रोसेस है वो निरंतर चलता रहता है, प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, उस पर मुरलीधर राव का कमांड नहीं है, पार्टी लीडरशिप का कमांड है। बिल्कुल। तो उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो उसको इंगित किया कि अगर आने वाले समय में क्या होगा वो तो नहीं कह सकते हैं, फिलहाल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और जनता का विश्वास है, पार्टी का विश्वास है। तो उन्होंने उस जो एक लाइन खुला छोड़ा है, प्रोसेस है, प्रोसेस तो उसमें चेंजेस होते रहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा अगला चुनाव भी मुख्यमंत्री के जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसा क्लियरली नहीं बोला मैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने आसाम में हमने देखा है कि हेमंत बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री ने, और आज भी वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। जी जी। तो जब भी पार्टी को लगता है कि हमारे, पार्टी आकलन करती रहती है समय समय पे, बिल्कुल, किसी थर्ड एजेंसी के माध्यम से भी, वर्कर के माध्यम से भी, और मीडिया के माध्यम से भी, कि हमारा जो पल्स है, जनता का जो पल्स है क्या, तो अगर बाद में लगता है उनको कि हमें चेंजेस की जरूरत, बदलाव की जरूरत है, तो जाहिर है पार्टी उसमें हिचक नहीं है। फिलहाल ये फैक्ट है कि ऐसा कोई परिवर्तन का दौर नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका कारण नहीं दिख रहा है, कोई ग्राउंड नहीं दिख रहा है। यूपी में घमासान जैसा मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, वैसा मध्य प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल। ना तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ना कोरोना को कंट्रोल करने में सरकार विफल रही है, और दूसरी जो एक बड़ी यूपी में दिक्कत थी, संवादहीनता, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन ये दूरी तय करने में 4.5 साल लग जाते हैं, हमने ऐसा देखा मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं है। दूसरा, जो जब उपचुनाव हुआ मनोज जी, जी हमारा जब सरकार बनी बीजेपी की, पहली परीक्षा तो कोरोना का एक नॉन पॉलिटिकल थीम था, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो उपचुनाव था। बिल्कुल, जो 28 सफल रहे उसमें। जी, 28 जगह चुनाव, 19 जगह बीजेपी जीती, पूरा बहुमत लेके आई है,
तो सेकेंडली आपको वो भी याद होगा मनोज जी कि ग्वालियर चंबल से को लास्ट फेज में चुनाव प्रचार चल रहा था तो किनारे कर दिया गया। बिल्कुल पार्टी का मानना था जितना सिंधिया कार्य करेंगे तो पार्टी का एक नाराज मतलब वर्कर हो या लोग हों वो नाराज हो रहे थे, और इसका तो असर सेवा हमने से जाना देखा देख भी, लिया पार्टी। जो SC सीटों पर हमने इसका असर देखा भी, जहां बीजेपी जीत सकती थी कई सारी सीटें वहां लूज की उन्होंने। जी। तो एक जो उसका शिवराज सिंह चौहान ने लीड किया, पार्टी जीती, पार्टी बहुमत में आती है विधानसभा में। फिर जो एक माइक लाल का आपको याद होगा जो 2018 में चला था, बिल्कुल 2018 का जो माइक लाल फैक्टर था उसको डिफीट करके बीजेपी आई, ये बड़ी बात है मतलब निश्चित ग्वालियर तौर चंबल एरिया में, पर, और एट्रोसिटी क्योंकि एक्ट दूसरा भी कहीं साथ हुआ। उसके साथ एट्रोसिटी और हाँ एक्ट जी, और उसमें शिवराज सिंह चौहान आगे थे, वही बिल्कुल शिवराज चौहान जिनका माइक लाल का वीडियो चला लगातार सोशल मीडिया पे, जनता काफी नाराज थी उनके लीड करते, पार्टी ने बहुमत पाया, अब ग्वालियर चंबल से काफी सीट मिली उनको, बिल्कुल मुरैना को छोड़ दिया जाए और जो पार्ट है। तो कोई ऐसा कार्ड दिख नहीं रहा है कि पार्टी में घमासान मचा हुआ है, संवादहीनता है, लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो अभी ग्राउंड नहीं दिख रहा है जैसा उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल, यह हमने तो वो जो उत्तराखंड में लेकिन देखा था। देखिए लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा मनोज जी, जी इसको हवा दिया किसने? मीडिया तो दिया नहीं, मीडिया तो वॉच करता है, हम तो मॉनिटर करते हैं, ये जो लगातार मीटिंग्स के दौर चले कि यहाँ पे हो रहा है, अभी दिल्ली में हो रहा है, लगातार हो रहा है, चाय पे चर्चा होते होते लीडरशिप पे चर्चा हो गई, तो बिल्कुल, मीडिया तो नहीं किया, मीडिया तो ऑब्जर्व कर रही थी आपको तो आग तो पेट्रोल और डीजल में आपने कहा लगी कि है, आग पेट्रोल डीजल में लगी और जी, उफान चाय की प्याली मारा था। और आपने कहा कि भाई जब अनलॉक अनलॉक का लॉकडाउन चल रहा था तो हम नहीं मिल पा रहे थे, लॉकडाउन हमारे लिए था, मीडिया मतलब जनता के लिए था, बिल्कुल, नेताओं के लिए लॉकडाउन तो था नहीं, वो तो लगातार मिल रहे थे, लगातार बाहर थे, रैलियों लेकिन में हमने उसका देखा ग्राउंड जो भी, दिया गया वो बहुत ही वो बहुत ही मतलब तो सॉलिड नहीं था वो जो बिल्कुल ग्राउंड था, इसीलिए मीडिया को हवा मिला कि लगातार मीटिंग्स क्यों हो रही है, चर्चा किस बात पे हो रही है, इसीलिए उसको हवा हवा मिली थी, मीडिया कोई रोल नहीं है। शायद बिल्कुल राव ऐसे ही नेताओं को चेतावनी देकर भी गए हैं। ब्रजेश जी, जी एक जी जी वैसे कहावत भी है कि युद्ध काल में रथ के घोड़े नहीं बदले जाते हैं, जी और निश्चित तौर पे तीसरी वेव, ये जो रंजन जी ने कहा कि कोई ग्राउंड है नहीं, तो बार बार फिर आपको क्यों दोहराना पड़ रहा है? यानी कहीं दिल्ली से संकेत है कि सबने कह दिया है, अब जो आखिरी बचे प्रदेश प्रभारी, अब उनकी भी सुन लो और जो उन्होंने कहा उसको मान लो। लेकिन एक और चीज़ उन्होंने कही है कि जो कार्यक्रम देंगे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, यानी सरकार की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, हालांकि ये होना चाहिए, लेकिन हमने कई सारे ऐसे अध्यक्ष देखे हैं इस बीजेपी में जो कह के कुछ आते थे लेकिन बाद में वो सत्ता के संग उसी धारा में रमते हुए बहने लगते हैं। हमने कई सारे उदाहरण पहले देखे, नंदू भैया को भी ये कहा गया था कि वो चुनाव कराएंगे 2018 का, लेकिन उसके पहले राकेश सिंह आ गए, राकेश सिंह के लिए कहा गया था कि दिल्ली से मजबूत हैं वो, राकेश सिंह रिपीट नहीं, वो पूरा कार्यकाल भी नहीं मिला। और प्रभात झा जिनको एक रात पहले भोजन कराया गया था मुख्यमंत्री निवास में, बाहर तक छोड़ने आए थे और फिर बाहर ही छोड़ दिया गया था, पोखरण हो गया था। तो ऐसे कई सारे उदाहरण भी है, तो इन सब के बीच ये संदेश कि एक मॉनिटरिंग और एक बदलाव नहीं। देखिए मनोज जी, उसमें उन्होंने कहा एक तो संगठन को जो दायित्व देंगे सरकार से कंधे के कंधे मिला के चले वो, और जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका मॉनिटरिंग करेंगे किस तरह से काम हो रहा है। आप बूथ स्तर तक जो कह रहे थे कि अनुसूचित जनजाति मोर्चे की जो बैठक हुई उसमें कहा कि इसको आप हमने कल भी जिस पे विस्तार से विस्तार से चर्चा चर्चा की थी, तो मॉनिटरिंग तो देखिए भाजपा संगठन की बात कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग हमेशा से होती रही है, प्रदेश स्तर तक होती है और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर तक होती है कि वो देखते हैं कि जो कार्यक्रम दिए हैं वो जब नहीं होती तो फिर राजस्थान जी पंजाब मध्य प्रदेश ऐसे उदाहरण सामने आते हैं बिल्कुल कांग्रेस कार्यकाल में। हाँ, हमने देखा है कि भाजपा में यदि कार्यक्रम होता तो बकायदा फोटो खींच के वो भी भेजे जाते हैं कि राष्ट्रीय संगठन को ये कार्यक्रम हुए ये हुए। ये 3 साल से जो ठप पड़ा था पूरा संगठन, जो कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, मुझे लगता है उसको जान डालने के लिए इस तरह से कहा गया कि हम मॉनिटरिंग करेंगे ताकि लोग सक्रिय हो जाएं काम करने लगें। रही बात मुरलीधर राव कहने की, तो जब JP नड्डा ने कह दिया, बाकी जो नेता चाय की प्याली में तूफान ला रहे थे उबाल ला रहे थे वो ही क्लियर कर चुके थे, लेकिन उनके क्लियर करने से उतना असर नहीं होता मनोज जी। जी नड्डा जी ने जिस तरह से तारीफ की और राव ने यहाँ आके बोला, तो राव का कहने का भी एक अलग महत्व है मनोज जी। राव दिल्ली दिल्ली की CM PM की बैठक बिल्कुल एक मैसेज था, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट अगर जी PM किसी CM को दे रहे हैं तो एक तरह से राव ने जब कहा है तो राव का कहने का इसलिए महत्व ज़्यादा है मनोज जी, एक तो वो प्रदेश प्रभारी हैं, दूसरा राव कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है कि वैसे महामंत्री हों राष्ट्रीय महासचिव हों, वैसे नहीं, राव राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत करीबी हैं, स्वदेशी जागरण जो था उसके 15 साल तक संगठन रख रहे हैं, मध्य प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं बिल्कुल मनोज जी, और 15 साल तक संगठक रहे हैं स्वदेशी जागरण के, इसके अलावा वो विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री रहे हैं, और पिछली बार भी आप देखिए तो महामंत्री थे अमित शाह की टीम में। तो राव का कहना और खुली तरह से
चेतावनी देकर जाना, उसमें दूसरी चीज जो भी है कि उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया और बाकी चीजों से हमारे यहाँ नेता नहीं बदले जाते हैं, कहीं भी नहीं बदले जाएंगे, ना उत्तर प्रदेश में ना मध्य प्रदेश में, ना किसी लोकतंत्र में बदलना चाहिए। हाँ, हमारे लिए हम जनता ने चुना है उनको, जनता तय करती है। और जिस तरह से रंजन जी भी कह रहे थे कि वहाँ सबका रोल तय है, बिल्कुल रोल बदले जाते हैं निश्चित तौर पर, भाजपा भी बदलती है, लेकिन उसके आधार होते हैं मनोज जी। यदि हम उत्तराखंड में देखें भी तो आधार दिखता है, मध्य प्रदेश में वो आधार नहीं दिख रहा है आपको। तो उन्होंने कहा है कि नेता भी ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे पार्टी को नुकसान हो, ऐसे लोगों को चेतावनी देकर भी गए हैं पहली बार, तो ये चेतावनी के मायने भी निकाले जा सकते हैं कि उन नेताओं को हैं जो इस तरह की बातों को हवा दे रही थी, या जिन्होंने शुरुआत में ही उसको खंडन नहीं किया और उसको राष्ट्रीय नेतृत्व को खंडन करना पड़ा और फिर राव को यहाँ कहना पड़ा। जबकि जब शुरुआत में जो बात उठी थी कि नेतृत्व परिवर्तन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, उसी समय ये नेताओं को कह देना चाहिए था, जो बाद में कह रहे थे वो कि हमारा नेता शिवराज है, आज भी है नेता, और अभी चुनाव उनके नेतृत्व में होंगे या नहीं होंगे, ये तो राव भी क्लियर करके नहीं गए। बिल्कुल, लेकिन नेता हमारे शिवराज हैं, इस तरह की कोई बात यदि वो पहले दिन ही कह देते कि आज हमारे नेता शिवराज हैं, शिवराज जी हमारे नेता हैं, तो कोई विवाद ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, मेल मुलाकातों का दौर चला, और उससे जो मीडिया ने आकलन किया खासकर, और जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसको हवा दी गई कुछ विरोधियों द्वारा, तो पहले भी तो जैसे कहावत है कि कौआ कान ले गया, तो ये नहीं देखा कि पहले कान देख ले, कौए को देखने लगे। बिल्कुल मनोज जी, तो कौए को देखने लगे, तो पीएम के साथ एक घंटे बैठक हुई, तो आप उसके दोनों पहलू देख सकते हैं। यदि एक घंटे किसी को टाइम दे रहे हैं तो बहुत सारी विस्तार से बात हुई होगी, और यदि एक घंटे में आप ये निकालो उसका निचोड़ के कांग्रेस की तरह के डांट फटकार लगाई, तो डांट फटकार तो दो मिनट में भी लगा के आदमी रूम से बाहर कर सकता है। यदि एक हिमंत विश्वा शर्मा है, बिल्कुल उदाहरण है। तो मनोज अभी सचिन पायलट के लिए जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि वो 6 दिन रुके, 60 कॉल लगाए, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ उनका, तमाम तरह के मिल नहीं रहे सिद्धू भा, और इनसे ये नहीं मिल रहा है राष्ट्रीय नेतृत्व में, और अमरिंदर सिंह इनसे नहीं मिल रहे हैं, ये भी देख लीजिए वहाँ, कमलनाथ इनकी सुन नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस में अलग तरह का माहौल है मनोज जी, नेतृत्व में कुछ लोग हावी हैं और कुछ नेतृत्व उन कुछ लोगों की नहीं सुन रहा है। बिल्कुल, रंजन जी एक प्रसिद्ध कवि रहे माणिक वर्मा, आप तो दिवंगत हो गए, तो जो कुछ किया मांगेलाल और मैंने, उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना, तो जो हम पीसी शर्मा को सुन रहे थे इस पूरे घटनाक्रम, संविधान नहीं बनाया होता तो सरकार कैसे बनती, डिक्टेटरशिप लागू हो जाती, तो ऐसा नहीं लगता कि यह कितने सीनियर आदमी हैं, मंत्री रहे हैं, और तो उनको कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के बारे में बात करना थी, और उनको ये भी चिंता है कि अंबेडकर को भी उन्होंने पीछे धकेल दिया कि कांग्रेस ने संविधान बना दिया, सब कुछ कांग्रेस ने कर दिया, और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अंबेडकर जी से कहा उन्होंने ही सब किया है। तो बजाय इसके कि अभी तत्कालिक जो मौजूदा हालात हैं, आप 1947 की बात करो या 50 की बात करो, 2021 में आप कहाँ खड़े हो और 23 का विजन क्या, आपका रोड मैप क्या होगा, बजाय अच्छा होता इस पर बात करते। अब तो भावी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं बचे हैं उनकी पार्टी में भी। बिल्कुल जी रंजन जी, उनका कांग्रेस का संविधान अलग है जी, उससे देश नहीं चल रहा है। जो संविधान बना सारे पार्टी के लोग थे, बड़े बड़े लोग उसमें थे, बड़े महारथी थे, महापुरुष थे, संविधान सभा थी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो संविधान बना वो कांग्रेस का संविधान थोड़ी था। हाँ, ये बोल सकते थे कांग्रेस लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई, आजादी में रोल किया, लेकिन उन्होंने गलत बोला कांग्रेस संविधान देश चल रहा है, ऐसा नहीं है। नंबर वन तो संविधान तो देश का है, जो आपने कहा जी देश का है, देश का, कांग्रेस संविधान नहीं है, उससे नहीं चल रहा है। कांग्रेस संविधान तो जो पार्टी के लिए है वो अलग है। लेकिन रंजन जी, यदि वो संविधान की बात करते हैं रंजन जी, तो फिर 370 भी तो संविधान के तहत ही हटाया गया, तो फिर उसका विरोध क्यों करते हैं? हाँ, तो कांग्रेस संविधान में नहीं रहा होगा वो। तो और अभी दूसरा जो पार्ट, अभी आपातकाल के 45 साल कल ही हुए हैं, तो शायद वो भी एक दिमाग में होगा, जो उन्होंने डिक्टेटरशिप की बात की थी, और हमने उन्हीं कांग्रेस में देखा देवकांत बरुआ को कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, शायद ये सारी दिमाग में उनकी बातें होंगी। दूसरा जो पार्ट मनोज जी आपने पूछा कांग्रेस का, अपनी प्रॉब्लम की समस्या कांग्रेस पे क्या है, कि जो अभी बीजेपी में जो आपने चर्चा वाली बात कही, चर्चा चल रही है, कांग्रेस में लोग चाहते हैं कि कुछ हमें क्लियर हो कि हमारा नेता है कौन, राहुल गांधी आने वाले हैं कि सोनिया गांधी रहेंगी, कपिल सिब्बल आवाज उठाते रहेंगे, गुलाम नबी आजाद आवाज उठाते रहेंगे, कुछ होगा या नहीं होगा, कि हमें ऐसे चलता रहा हेठाकिज्म चलेगा। तो जो सेंट्रल में हेठाकिज्म है वो स्टेट में भी आ रहा है। प्रियंका गांधी को आप क्यों भूल गए, उनको क्यों छोड़ दिया आपने जी? और उसका असर क्या हो रहा है मनोज जी? देखिए, समय बदल रहा है, कोविड ने काफी परिवर्तन समाज में लाया है, कोविड की वजह से काफी परिवर्तन आया है, लेकिन कांग्रेस नहीं बदली। चेंज जी जी
तो लेकिन जो मुद्दा जनता का वही वही है, कोविड के सिर्फ जनता के मुद्दे कम तो नहीं हुए, मुद्दे तो वही हैं। तो मुद्दों को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, लेकिन जनता से जो जुड़ाव होता है वो जुड़ाव भी दिख रहे, जनता नहीं तो का प्रतिसाद जो बोलते हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जो कोविड के तीनों प्रोटोकॉल है उसका कांग्रेस अच्छे से पालन कर रही है? मुंह पर मास्क लगाइए तो मुंह बंद इसका रखा है उन्होंने, हाथ धोते रहिए, सत्ता से हाथ धोते जा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, ना जमीन पे नेताओं से जुड़ रहे हैं, ना कार्यकर्ताओं से, ना जनता से। और इतने इतने मुद्दे मनोज जी, चाहे कोविड से हमारी आर्थिक हालत खराब हुई हो, बिल्कुल कोविड से डेथ की है, ऑक्सीजन का है, बेड का है, हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन है, इसमें जो अभी भी जो कोविड की वजह से जो डिफरेंट सेक्टर्स से, हैं सोशल सेक्टर्स हमारे, चाहे भुखमरी का मुद्दा हो, पोषण आहार का मुद्दा हो, आईएमआर का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस लगातार इस पे गवर्नमेंट को घेर सकती है। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लेकिन वह जो घेराबंदी है या जो आवाज जनता तक वो नहीं पहुंच पा रही है। दमों का अगर बात माने, दमों तो बीजेपी माने कि हमने जो अंतरिक जो कला थी उसकी वजह से आ रही है बिल्कुल एक, लेकिन वो एक चुनाव आपके 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 सिस्टम को, आपके जो आपका पहुंच है जनता तक उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बिल्कुल जब तक आने वाले चुनाव में आपका नहीं मिलता है। तो अभी भी आप देख रहे होंगे कोविड के दौरान कमलनाथ अकेले नेता हैं, कभी भी एक कोई जाजम जो बोलते हैं जाजम पे सबको लाना, बिल्कुल सभी नेता नहीं दिख रहे हैं, वर्कर भी एक जगह नहीं। हम ये कहते कि आप सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाइए, सब करिए, लेकिन जनता जो कांग्रेस के वर्कर की है, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट जगह हैं, डिफरेंट क्षेत्र हैं, जो आवाज उठनी चाहिए एक स्वर में, वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल गाहे बगाहे कहीं पेट्रोल इशू कर लिया, उठा लिया, कहीं कुछ कर दिया आपने, तो इसका टर्न है, आप कोहेसिव या उसमें एक रूपता नहीं दिख रही है, एक अटैक नहीं दिख रहा है। और ऐसा जो बार बार कांग्रेस के अंदर बात चलती है कि भाजपा और कांग्रेस कमलनाथ के अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब कांग्रेस में जो 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 धार होना चाहिए उनके अटैक में वो नहीं हो रहा है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल तो परिवर्तन की बात, नीतिक परिवर्तन की बात हो रही है कि कमलनाथ एक पद छोड़ दें, दूसरा पद किसी और को दें, ये SC ST की बात हो रही है, OBC की बात हो रही है, कौन लीड करेगा, तो सारे इशू से कांग्रेस को जूझ रही है, जूझना है। तो जब तक उसका उत्तर खुद नहीं खोजती है तो जनता से जुड़ाव कैसा होगा, ये मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। बिल्कुल ब्रजेश जी, इस बैठक में भी निर्णय लिया गया कि ग्रास रूट तक बीजेपी पार्टी पहुंचेगी, और कांग्रेस ने जो कुछ किया है, क्योंकि ये जलकुंभी की एक तरह से संज्ञा दी है आज मुरलीधर राव ने, कि जैसे जलकुंभी जल को खराब कर दी थी, ऐसे उसको उखाड़ना होगा। तो क्या वाकई कांग्रेस के लिए चिंता का विषय नहीं है कि एक पार्टी जिसने अपना टारगेट सेट कर लिया है, अपना एजेंडा सेट कर लिया है, लेकिन वो कुछ करने को तैयार नहीं है? और दूसरा एक कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर सक्रिय हैं वो ट्विटर पर सक्रिय हैं, तो खुदा ना खास्ता हमने देखा कि रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है, और अगर हफ्ते 15 दिन के लिए जो कांग्रेस के बड़े नेता मध्य प्रदेश के ही, उनके अगर ट्विटर ब्लॉक कर दिए जाए दिल्ली के, तब फिर कांग्रेस जो ट्विटर ट्विटर खेल रही है फिर क्या करेगी? मनोज जी ने कांग्रेस पहले कुछ करती थी ना, अब कुछ करेगी? यदि वो ट्विटर ट्विटर खेल रही है तो ट्विटर उनके पास आसान है, बैठे बैठे करना चाहते हैं, जनता के बीच में संघर्ष करना आता नहीं है, क्योंकि सत्ता की चाशनी चाटते रहे हैं ये लोग इतने 70 सालों तक। तो जो सत्ता में रहा जिसको संघर्ष करने की आदत ही नहीं है, तो वो 15 साल में भी नहीं सीख पाए वो, तो आप 15 माह की जो सरकार आई उसमें फिर वो उनको लगने लगा कि नहीं हम तो राजा महाराजा हो गए, अब तो हम सरकार हम ही चलाएंगे। संघर्ष करने के लिए आपको लाठियां खाना पड़ेंगी, और वहाँ पे जिस तरह की राजनेता लोग हैं, मतलब आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की हम बात करें तो किस परिवार से आए हैं सब लोग, चांदी की चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग नेतृत्व कर रहे हैं, तो लाठियां कैसे खाएंगे मनोज जी, संघर्ष कैसे बड़ा सवाल, करेंगे? बिल्कुल। आप AC रूम में बैठे रहते हैं, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, तो पसीने की बदबू भी आएगी आपको, गर्मी भी लगेगी, तो आप वो जब सहन नहीं कर सकते हैं तो आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस के हालात ऐसे ही है मनोज जी। तो इस पे तो उनको पहले ही विचार कर लेना था जब दिसंबर 2018 में जब नतीजे आए थे कि किसान आंदोलन के बाद भी अगर मंदसौर में आपका सफाया हो जाता है, एक सीट सुवासरा जीतते हो वो भी कुछ वोटों के अंतर से बीजेपी के बगावत के कारण, बाद में वो हरदीप सिंह डंगी बीजेपी में जाते, तब भी आपको पल से समझ जाना थी जनता की। बिल्कुल मनोज जी, आज यदि हम किसान आंदोलन की आपने बात की है उससे ही सीख जाना चाहिए। आज भी मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस करेगी हम उनके साथ हैं, लेकिन साथ आपको नजर आए भोपाल में यदि गिरफ्तारी होती है तो मेगा पाटकर की होती है, डॉक्टर सुनीलम की होती है, शिव कुमार कक्कर की होती है, क्यों नहीं होती कमलनाथ की, क्यों नहीं होती दिग्विजय सिंह की, क्यों नहीं होती अजय सिंह की, अरुण यादव की, पूरे और प्रदेश एक में एक वो चाहते हैं। बिल्कुल, एक दिलचस्प चीज़ ये भी है कि जो
कांग्रेस के बड़े किसान नेता रहे और सहकारिता के दिग्गज सुभाष यादव, उनकी पुण्यतिथि भी थी, तो इससे बेहतर मौका कांग्रेस के पास हो नहीं सकता था, दोनों काम कर लेते। उनकी पुण्यतिथि को भी मना सकते थे, लेकिन वो भी आपने जैसे ट्विटर की बात की थी, आप देख लीजिए कांग्रेस नेताओं के शोक संदेश, देख लीजिए पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि देख लीजिए, वो भी ट्विटर पे ही है, बाकी जगह नहीं है। यदि वो चाहते तो इस कार्यक्रम को उस तरह से मना सकते थे, लेकिन मनाएंगे नहीं, क्योंकि सुभाष यादव को यदि भजन मिल गया तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लगेगा कि यार ये उनका बेटा नहीं, एक तरह से राजनीति में पूरे प्रदेश का नेतृत्व ना करने लगे जैसे पहले करा था, नेता ना बन जाए, हालांकि वो है प्रदेश स्तर का नेता बन गए हैं अरुण यादव, क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन कोई उनको भजन नहीं देना चाहता कि अगली बार दौड़ में ना आ जाए, सीएम की रेस में ना आ जाए, उनको प्रमुखता ना मिल जाए, तो कांग्रेस में ये भी एक समस्या है मनोज जी। लेकिन अभी तो ये है ना कि भैंस बांधी नहीं आपने और दूध के लिए लड़ाई चल रही है आपने। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि किसान आंदोलन का उग्र हो, उसका कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल जाए, बिना मेहनत किए हो वो मजे लेना चाहते हैं, मतलब चूल्हा उनने जलाया है किसान संगठनों ने, और वो चाह रहे हैं कि जाकर रोटी खुद सेंक लें उस पर। बिल्कुल, तो ऐसी उम्मीद पालती रहती है, इसी तरह से बिल्ली के भाग से छीका फूट जाता है वैसे ही दमोह फूट गया, लेकिन यही हालात रहे तो निश्चित तौर पर आप देखना अगली बार छीके बार बार नहीं फूटते, एक आध बार ही फूटता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बड़ी बात कही आपने, और ये जो उम्मीद में बैठी है बिल्ली के भाग से छीका कब फूटेगा, तो उम्मीद की जाना चाहिए शायद अब भी कांग्रेस सक्रिय हो जाए। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय और इजाजत नहीं दे रहा है, तो निश्चित तौर पर जो मुरलीधर राव ने जो बात कही है तो कई सारी अटकलों पर विराम लग गया है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक सबक है कि जो सत्ता की चाशनी वो इतने साल खाते रहे तो उस हांडी को उन्होंने चाट चाट के ख़त्म कर दिया, उसमें कुछ नई चीज़ भरी नहीं है, और अब वो सत्ता के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो बिरबल की खिचड़ी जैसे, यानी हांडी इतनी ऊँचाई पर बांधी और नीचे पर्याप्त उसमें आग दे नहीं रहे कि वो उसमें हांडी में रखी खिचड़ी पक जाए, और जब तक खिचड़ी पकेगी नहीं सत्ता की खिचड़ी, तब तक वो खाएंगे कैसे। इस पर भी कांग्रेस नेतृत्व को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।